आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आयकर भवन में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयकर आयुक्त तो सुनील वाजपेयी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के वीर सपूतों को याद करते हुए देश की तरक्की और आयकर विभाग की उपलब्धता के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा देश के ऊपर लिखी एक कविता भी सुनाई। आयकर विभाग के चौथी मंजिल और प्रवेश द्वार का नजारा 15 अगस्त को बदला हुआ नजर आया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की खुशी देखते ही बन रही थी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयकर विभाग के आयकर आयुक्त विभाग की चौथी मंजिल पर अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आजादी के मायने बताए। आसमान में तिरंगे के नीचे बैठे हुए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे महापुरुषों को अवश्य याद करें, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आयकर आयुक्त ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। देश ने काफी तरक्की की है, लेकिन आजादी वीर सपूतों ने ही दिलाई है। इसके लिए तमाम कष्ट सहने पड़े। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें यह भी याद करना चाहिए कि जब यह पावन स्वतंत्रता नहीं थी तो कैसी हालत थी। आयकर आयुक्त ने कहा कि इस अवसर पर लोगों को आयकर से संबंधित भी जानकारी दी जाए। उनका कहना है कि देश के निर्माण में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही करदाताओं से अपील की कि करदाता सही समय पर अपना अपना रिटर्न दाखिल करें। आयकर आयुक्त ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने देशभक्ति के ऊपर तमाम गाने गाए। उन्होंने अपने द्वारा लिखित देशभक्ति की कविता वो सोने की चिड़िया जैसा भारत पुनः बनाना है, लाएंगे हम नया सवेरा, अब हमने ये जाना है, यह भी सुनाई। वह सोने की चिड़िया जैसा भारत पुनः बनाना है, लाएंगे हम नया सवेरा, अब हमने यह ठाना है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी अधिकारी कर्मचारी कई घंटों तक तपती धूप में बैठकर आजादी का जश्न मनाते रहे। सभी के चेहरे खिले हुए थे, सभी की खुशियां देखते ही बन रही थी। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।